हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल सपोर्ट 10 पर आपका स्वागत है। आज फिर से SMPS लेकर आया, बहुत सारे SMPS आया है। आज संडे है, कस्टमर बोल रहे कोई आपका लोड नहीं ले रहा है, कोई डेड है। हम सब एक एक करके आपको दिखाएंगे और क्या प्रॉब्लम है वो भी खोल के रिपेयर करेंगे और सब कुछ दिखाएंगे खोल के, क्या प्रॉब्लम हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले हम SMPS को चेक करेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं, कान पे लगा दिया। लगा देने के बाद हमने इसका जो इस तरफ है एक ग्रीन और ब्लैक हम शॉर्ट करेंगे। इस दोनों छोड़ के ये दोनों, देखिए दोनों छोड़ के दोनों को हमें शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद देखिए फैन नहीं घूम रहा है। ठीक है, इसको हम खोल के चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, चलिए वाला स्क्रू नहीं खुलेगा, ट्वीज़र इसके इसमें अंदर। इसके अंदर घुसा के इसको थोड़ा ऊपर खींचना पड़ेगा। चलिए ये वाला तो खुल गया। खोलने के बाद थोड़ा सा इसको देखिए इसमें कितना मॉइस्चर धूल वगैरह है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको पहले खोल लेता हूँ। ठीक है, इसको चारों स्क्रू है, इसे खोल के हम चेक करेंगे। ठीक है, देखिए SMPS का काम जल्दी में नहीं होता। ठीक है, काम ऐसे धीरे से देख के करना पड़ता है, नहीं तो AC के ऊपर से आप काम कर रहे हो तो जल्दी में हो जाएगा तो आपका जान का जोखिम में आगे जाएगा। ठीक है, हम वीडियो बनाने के लिए जोर से कर रहा हूँ, इतना जोर से जब हम सर्विस सेंटर में काम करता हूँ वो हम नहीं करते। चलिए इसका बहुत सारा धूल है, इसको पहले बाहर इसे साफ कर लेता हूँ। देखिए हमने इसको साफ कर लिया। पहले हम इसको अंदर देख लेता हूँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, देखिए इतना धूल है, मालूम नहीं पड़े कहाँ कंपोनेंट है कहाँ धूल है। चले थोड़ा सा पाम से हमने साफ कर लिया। साफ करने के बाद ऊपर से कुछ देख लेता हूँ, चेक भी कर लेता हूँ कोई प्रॉब्लम वगैरह है कि नहीं, कोई कंपोनेंट खराब हुआ कि नहीं। ठीक है, चले ऊपर से तो सब ठीक ठाक ही लग रहा है। पहले देखिए फ्यूज को देखिए, ये फ्यूज ऊपर से दिख रहा है जो खराब हो गया, काला हो गया। चले हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ए वाला भी है, वो ए वाला कोटिंग लगा है अंदर ऊपर से, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ये मीटर को हम बाजार में रखेंगे, रख के पहले हम इसका फ्यूज चेक करेंगे। फ्यूज इस तरफ है, ठीक है, देखिए इसका फ्यूज खराब है। ये ओवर वोल्टेज जो है इसको, ये ओवर वोल्टेज जो ओवर करंट आता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। देखिए फ्यूज खराब है, फ्यूज खराब मतलब ये डायोड वगैरह भी खराब होगा। देखिए दोनों डायोड
खराब दिखा रहा है, शॉर्ट दिखा रहा है। इसका खराब होने से ये देखिए 13,007 जो है वो भी खराब होगा। ठीक है, चलिए हम जल्दी से फटाफट पहले ये डायोड को, हम पहले वाला जो डायोड है इसको हम खोल के देखता हूँ। ठीक है, एक तो खोल दिया, दोनों मिडिल में जो है उसको भी हम खोल देंगे एक को छोड़ के। देखिए दोनों को हम खोल दिया, खोल देने के बाद देखिए हम यहाँ से डायरेक्ट हम चेक करेंगे पहले। ठीक है, यहाँ से देखिए ये वाला शॉर्ट है और दूसरा वाला ये वाला भी शॉर्ट है, तो दोनों शॉर्ट है, दोनों को हम निकालेंगे। निकल के हम फेंक देंगे इसको, यहाँ पे रखेंगे नहीं, इसको हम दूर से दूर भागा देंगे इसको। इसको फेंक दिया, फेंक देने के बाद थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ ये वाला डिसोल्डरिंग वायर से। ठीक है, चलिए ये साफ कर लिया। फिर अब हम आपको दिखाते हैं 13,007, ये वाला 13,007, ये देखिए 13,007 है। ठीक है, 13,007 है इसके पास, देखिए 13,007 है। और इसको खोलने के लिए हीट सिंक साथ में इसको खोलना पड़ेगा, हीट सिंक के साथ इसको खोलना पड़ेगा। ये वाला का SMPS बहुत ही दिक्कत वाला SMPS है, खराब होगा तो बहुत प्रॉब्लम करता है, खोलते खोलते दिमाग खराब हो जाएगा। थोड़ा सा पेस्ट लगा लेता हूँ डिसोल्डरिंग वायर में, लगा के इसको हम खोल देता हूँ। चलिए तो हम खोल रहा हूँ, उसके बाद से हीट सिंक का जो है लीड है हीट सिंक का, इसको हम खोल देंगे यहाँ से। ठीक है, ये तो हम खोल दिया, उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर करके खोल देंगे। देखिए हम इसको खोल दिया, खोलने के बाद हम चेक करेंगे 13,007 को। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए A1A1 13,007 है। ठीक है, देखिए A खराब हो गया, A भी खराब हो गया, तो दोनों 13,007 को हम निकाल लेंगे। निकल के दूसरा वाला दोनों, ये वाला दोनों लगा देंगे, ये भी अच्छा है। ठीक है, चेक हम नहीं करेंगे, ये चेक करके रखा। ठीक है, फिर भी लगा के हम चेक करेंगे, पहले हम लगा लेता हूँ। एक है और एक है,
थोड़ा सा हट गया, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, हम चलिए लगा दिया। लगाने के बाद देखिए इसको हम चेक करेंगे, जो भी कोई पोर्ट में लगाएंगे तो शॉर्ट दिखेगा, ये शॉर्ट नहीं है, ये तो ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसके पास में, देखिए इसका पास में ही दोनों जेनर डायोड है, दोनों देना डायोड, देखिए दोनों देना डायोड है, इसमें दोनों जेनर डायोड है, ठीक है। और ए वाला जो है ये वैल्यू दिखा रहा है, जेनर डायोड को हम चेक करेंगे, ठीक ही है, ये सब ठीक ही है। चलिए ये सब तो ठीक ही है, होने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम ये वाला लगा देंगे, थोड़ा सा इधर उधर करके इसको लगाना पड़ता है। चलिए लगा को आपको दिखाता हूँ, ठीक है सर, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। 1 लीड छोड़ गया, इसको हम पहले से लगा लेता हूँ। देखिए ये हमने लगा दिया, लगाने के बाद इसको हम सोल्डरिंग कर देंगे। देखिए सोल्डरिंग हमने कर दिया है, सोल्डरिंग करने के बाद आप थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फिर से हमको देखना पड़ेगा, तो हम पहले ही चेक कर लेता हूँ जो इसका कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, देखिए कोई शॉर्ट वगैरह नहीं है। उसके बाद दोनों डायोड दोनों लगाएंगे यहाँ से, यहाँ पे डायोड लगाने के लिए डायोड की जगह डायोड, रेक्टिफायर दोनों डायोड मिल गया। देखिए ये दोनों डायोड यहाँ पे लगा देंगे, जो ब्रिज हुआ था ब्रिज के पास, ठीक है, माइनस पे माइनस, एनोड पे एनोड, कैथोड पे कैथोड लगा देंगे। देखिए ये हमने लगा दिया, लगाने के बाद लीड जो है बड़ा वाला लीड उसको हम काट देंगे। काट देने के बाद देखिए हम क्या करेंगे, वो जो आपका फ्यूज खराब हो गया वो फ्यूज हम वायर से जोड़ देंगे, ठीक है, बड़ा वायर से हम जोड़ देंगे इसको,
चलिए थोड़ा सा सोल्डरिंग कर लेता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक देखा लेता हूँ। ये वाला शायद है, हाँ यही होगा। चलिए ये तो हमने सोल्डरिंग कर दिया, फ्यूज भी लगा दिया। लगा देने के बाद हम चेक भी कर लेंगे कोई शॉर्ट है कि नहीं, ठीक है, कोई शॉर्ट वगैरह कुछ नहीं। ये बार सब ठीक है, सब कुछ ठीक ही है। चलिए तब तो ये हो गया, अब हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, करंट लगा के इसको हम चेक करेंगे। देखिए फैन यहाँ लगा के रखा है। चलिए करंट हम लगा देंगे, ये हमने करंट लगा दिया, देखिए लगा दिया। देखिए ऐसे पेज काम करने के लिए आपको फ्यूज लाइन जरूरत है, फ्यूज लाइन चाहिए। ये देखिए ये हमने शॉर्ट भी किया, फिर भी ये फैन नहीं घूम रहा है, ठीक है। चलिए फिर से इसको करंट लगा के हम चेक करेंगे। करंट लगा के रखा, ठीक है, चलिए लगा के हम चेक करेंगे मीटर पे क्या हुआ इसका प्रॉब्लम फिर से। चलिए ये वाला देखिए लगा के रखा हूँ, लगा दूँ इसका माइनस पोर्ट में, माइनस लगा दूँ, ठीक है, 200 में रख दिया। रखने के बाद देखिए ऑक्टो कपलर पर इन आउटपुट में देखेंगे, ऑक्टो कपलर के आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं है। इनपुट में इनपुट देखिए 40, 39, और वे पे देखिए ये वाला है, मतलब ये वोल्टेज इधर नहीं आ रहा है, ठीक है, इधर नहीं आ रहा है। चलिए हम पहले चेक कर लेते हैं ऑक्टो कपलर को, पहले चेक कर लेता हूँ, ठीक है, चेक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों बहुत ढूंढने के बाद देखिए ये ऑक्टो कपलर का ये आउट इनपुट ऑक्टो कपलर आउट यहाँ पे हॉट सेक्शन के जो आउटपुट है वहाँ पे आपका वोल्टेज आ रहा है, और कोल्ड सेक्शन जो इनपुट है वहाँ पे वोल्टेज नहीं आया था। बहुत ढूंढने के बाद देखिए ऑक्टो कपलर भी मैंने चेंज किया था, चेंज करने के बाद भी नहीं आया। फिर हमने इसको दोनों वाला इसको देखिए यहाँ से देखिए इस तरफ थोड़ा सा चेंज किया फिर भी नहीं आया। फिर हमने क्या किया ए वाला आईसी में ए सोल्डरिंग कर दिया। फिर हमने ये जो चेंज किया था 13,007 इसको हमने थोड़ा सा या कोई भी प्रॉब्लम था, थोड़ा सा सोल्डरिंग नहीं हुआ इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा था, ए आउटपुट नहीं दे रहा था, तो मैंने वो सोल्डरिंग कर दिया। करने के बाद ये देखिए ये हमने करंट डाल दिया, करंट डालने के बाद हमने शॉर्ट कर दिया, देखिए ये शॉर्ट कर दिया, देखिए फैन घूमना चालू हो गया। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था, हाँ ये तो चेंज करने के बाद रेडी होना चाहिए था, थोड़ा सा प्रॉब्लम के लिए देखिए इतना टाइम से हमको काम करा रहा है, हाँ काम करते करते हम थक गया, फिर वीडियो नहीं बना पाया, तो हमको हम बता दिया वहाँ पे 13,007 में सोल्डरिंग का कोई प्रॉब्लम था, डी सोल्डर हुआ था शायद, इसलिए उसको सोल्डर किया। तो ये देखिए फैन चालू हो गया फैन, ठीक है, ये तो जॉब हो गया बहुत टाइम बाद। चले दूसरा वीडियो में मिलता हूँ।